हर साल हमारे देश भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दो नेशनल डे बड़े ही जोर शोर से मनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा ही एक और डे है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। 4th मार्च यानी कि नेशनल सेफ्टी डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिन। 4th मार्च यानी कि नेशनल सेफ्टी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिन क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्या क्या एक्टिविटीज होती है और साथ में बहुत कुछ, तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करने का मुख्य कारण आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और एक्सीडेंट की रोकथाम करना है। इसी जागरूकता को और बढ़ाने के लिए आज के दिन में नेशनल सेफ्टी डे एक दिन की जगह पूरा सप्ताह मनाया जाता है और हम इसे नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल सेफ्टी वीक भारत देश की छोटे से छोटी इंडस्ट्री से लेके बड़े से बड़ी इंडस्ट्री में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी वीक ज्यादातर 4 मार्च से शुरू होता है और 10 मार्च तक मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी वीक के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इंडस्ट्री में होने वाली दुर्घटनाओं के बचाव तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाता है। चलिए अब थोड़ा नेशनल सेफ्टी डे की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो इसके साथ साथ पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चालू हुआ, जिसके चलते पूरे भारत में केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ऑयल एंड गैस जैसी इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी वैसे वैसे एक्सीडेंट भी बढ़ने लगे और इस समय एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सके ऐसी कोई भी बॉडी इंडिया में मौजूद नहीं थी। फिर 1962 में लेबर मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस के 22वें सेशन में एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। फाइनली फरवरी 1966 में लेबर मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के 24वें सेशन में ये प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और फिर 4th मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई। 1966 से 1972 तक नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने काफी सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी लॉ और गाइडलाइंस बनाई, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए और एक्सीडेंट रेट को काफी हद तक कम कर दिया। फिर 1972 में 4th मार्च को नेशनल सेफ्टी डे घोषित कर दिया गया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेशनल सेफ्टी वीक के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। हर साल नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक सेफ्टी थीम पब्लिश करती है। यही थीम को बेस बनाकर ड्रॉइंग, पोस्टर, स्लोगन, ऐसे पोयम और ड्रामा जैसी काफी सारी कॉम्पिटिशन रखी जाती है। 2021 में नेशनल सेफ्टी डे का थीम है लर्न फ्रॉम डिजास्टर एंड प्रिपेयर फॉर सेफर फ्यूचर। आपदाओं से सीखे और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करे। 4th मार्च 2021 का ये नेशनल सेफ्टी डे 58th ग्लोरियस नेशनल सेफ्टी डे के तौर पे मनाया जाएगा। हर एक इंडस्ट्रीज में सेफ्टी फ्लैग को लहराया जाता है और सभी एम्प्लॉइज साथ में वर्क प्लेस पर हिंदी, इंग्लिश और अपनी लोकल लैंग्वेज में सेफ्टी प्लेज लेते हैं। फिर एम्प्लॉयर साल भर में हुए नियर मिस इंसिडेंट और एक्सीडेंट का विश्लेषण बताकर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए ये संदेश देकर कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं। इसी वीक दौरान मॉक ड्रिल का आयोजन करके प्लांट की इमरजेंसी प्रिपेयरनेस सर्विस को भी जांचा जाता है। सेफ्टी अवेयरनेस बनी रहे यही उद्देश्य से सभी एम्प्लॉइज को किचन, वॉलेट, डायरी, कैलेंडर जैसे सेफ्टी मोमेंटोस दिए जाते हैं। नियर बाई कम्युनिटी की सेफ्टी अवेयरनेस के लिए कैंपेनिंग किए जाते हैं और साथ में सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन में आयोजित कॉम्पिटिशन के विनर्स को भी प्राइज दिया जाता है। और इसी तरह सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों में सेफ्टी अवेयरनेस को बढ़ाया जाता है। आप भी हमारी तरह एक्टिवली सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करें ताकि आप खुद भी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक कर सके। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।